वेलकम वेलकम वेलकम, सभी का स्वागत है जी। बहुत बहुत वेलकम 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 टू दिस ऑल इम्पोर्टेंट सेशन वेयर वी आर डिस्कसिंग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द वीक इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। सो व्हाट एवर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आर फॉर द एंटायर वीक, वी आर कवरिंग देम वीक वाइज फॉर यू गाइस। सो देख सकते हो कितनी इम्पोर्टेंट ये सीरीज होगी, आप खुद ही समझ सकते हैं। करंट अफेयर्स ऑफ द वीक वी आर कवरिंग यू नो स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी। सो नो मंथ विल गो बाय जहां और रादर नो वीक विल गो बाय जहां पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम कवर नहीं करेंगे। तो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, हम आप सबके लिए लेकर आए हैं। दिस इज द सेकंड एपिसोड, द फर्स्ट एपिसोड इज ऑलरेडी आउट। सो फॉर्म अ हैबिट ऑफ वॉचिंग यू नो ऑल दीज एपिसोड्स, ऑल दीज वीडियोस रेगुलरली विदाउट फेल। तो चलिए जी, फटाफट से लेट्स क्विकली बिगिन। सभी का स्वागत है जी, बहुत बहुत हाय कृष्णा, हाय सुजाता, वेलकम वेलकम वेलकम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाय वेलकम अविशी त्रिपाठी जी, बिल्कुल स्वागत है जी आपका भी। हाय जोया, गुड इवनिंग एवरीवन, सभी का स्वागत है जी, बहुत बहुत वेलकम वेलकम यश, सभी का स्वागत। चलिए जी, तो दोस्तों जल्दी से ये वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, सो दैट एवरीवन जॉइंस अस रियल रियल क्विक। आज का ये सेशन जो है ये आपको जो है मिलेंगे यहाँ पे बहुत सारे MCQs। तो ये जितने भी MCQs यहाँ पे होंगे वो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपने जो भी नोट्स हैं, जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं करंट अफेयर्स के, वहां पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं इनमें जो हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल में, वो सब आप वहीं पे लिखते भी रहिएगा। राइट, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट राइट नाउ, यू नो यू कैन राइट इट लेटर और यू कैन राइट इट विद द सेशन गोइंग ऑन। राइट, सो जैसा भी आपको कंफर्टेबल फील हो तो वैसे में आपको लिखने पर लिखना जरूर है, ये मैंडेटरी है ना। चलिए जी, तो शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। हाय शर्मिला, वेलकम बड़ी वेलकम, सभी का स्वागत है जी, बहुत बहुत। और गाइस, सो डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स और आते ही लाइक का बटन दबा डालिए। चलिए जी, आगे बढ़ने से पहले क्विक अनाउंसमेंट, आज सभी को ये सेशन देखना मैंडेटरी है। की लर्निंग्स फ्रॉम क्लैट 2023, 15th जनवरी 7 बजे ये सेशन होगा, रजिस्टर कर लीजिए अगर अभी तक ऑलरेडी नहीं किया है तो। आपको बनना है अगला टॉपर, ज्वाइन कर लीजिए बायजूस एग्जाम प्रेप। एंड जैसे अनिका ने क्रैक किया आप दोनों क्लैट और एलेट गॉट AIR 18, उसके साथ ही NLS बैंगलोर में भी शी क्वालिफाइड, तो ये भी जो है आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है दोस्तों। इस अपॉर्चुनिटी का पूरा 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 फायदा उठाइए। राइट, सो मेक श्योर यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी वेयर एस मेंटर्स हियर एट बायजूस एग्जाम प्रेप गिव यू यू नो सुपर इंपॉर्टेंट यू नो वीडियोस इन रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव फॉर्मेट। तो आप देख सकते हैं जो हमारा क्लैट का कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है 2024 स्टूडेंट्स के लिए, वहां पे 300 प्लस रिकॉर्डेड सेशंस हैं अक्रॉस 5 सेक्शंस ऑफ कोर्स, 300 आवर्स प्लस लाइव कंटेंट, अपार्ट फ्रॉम दिस 35 मॉक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशंस। जस्ट इमेजिन गाइस, वीडियो सॉल्यूशंस के साथ है, तो कहीं भी अटके हम फटाफट से वो देख लिया एंड वी आर गुड टू गो। मंथली ई मैगजीन का एक्सेस और साथ साथ जो कंटेंट है यू नो सेक्शनल टेस्ट एटसेट्रा, सारे के सारे हैंड पिक्ड बाय एक्सपर्ट्स हियर एट बायजूस एग्जाम प्रेप। तो देर मत कीजिए, फटाफट से ज्वाइन इन। ऑलराइट, सो ये रही जी वीकली इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। वी ऑफ कोर्स डिस्कस देम आल्सो और साथ में हम कुछ क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। द बेस्ट वे टू रिमेंबर करंट अफेयर्स इज थ्रू द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। राइट, क्विज के फॉर्म में जब हम करते हैं याद हमें काफी लंबे टाइम तक रहता है। चलिए, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज द MV गंगा विलास। ये हम एक्चुअली पहले भी कर चुके हैं, आप मेक श्योर कीजिए आप इसको लिख दीजिए, ये लॉन्च हो चुकी है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है ये। तो क्रूज आपको पता ही है, शिप पे जाएंगे लंबे समय के लिए, आप अलग अलग जगह से गुजरेंगे, आपको रुकेंगे, आप वहां पे विजिट करेंगे और फिर वापस से जो शिप की जर्नी है वो कंटिन्यू होती जाएगी। ये जो जर्नी है ये आपको कई सारे नेशनल पार्क्स के थ्रू लेके जाएगी और बहुत ही यू नो आने वाले टाइम में आई होप मतलब आप मैं हम सब जरूर कभी ना कभी यहाँ पे जाएं। इस वेसल के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा नहीं वो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स सी, लेट्स चेकआउट, मिल जाएगी कृष्णा कोई बात नहीं। तो ये रहा आपके सामने, बताइए फटाफट से क्या है जी आंसर। यहाँ पे यश और जोया ने दोनों ने बोला है ए द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों यहाँ पे बोथ सी एंड, यहाँ पूछ रहे हैं हमसे ट्रू क्या है, विच इज ट्रू। तो देखिए दोस्तों कुछ इसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड इट एट वाराणसी, राइट, ऑल्सो उस टाइम पे टेंट सिटी एट वाराणसी भी इनॉग्रेट किया। अबाउट क्रूज, इट विल बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम वाराणसी
to reach Dibrugarh in Assam via Bangladesh. Right, it will sail around 3,200 kilometers in 51 days. Or साथ-साथ it will cover five major states of India and Bangladesh as well. Bangladesh भी जाएगी और साथ में इंडिया के पांच स्टेट्स देखिए आप, पटना दैट में जाएगी, मतलब बिहार हो गया, साहिबगंज यानी कि झारखंड हो गया, कोलकाता ऑफ कोर्स, वेस्ट बंगाल, ढाका बांग्लादेश, और फिर बाद में वहां से गुवाहाटी. तो ये पांच स्टेट्स इंडिया के और बांग्लादेश में भी ये ट्रैवल करेगी. तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे क्या स्टेटमेंट सही है. द क्रूज वुड कवर इट्स जर्नी इन 51 डेज और द लेंथ ऑफ दिस वेसल इज 62 मीटर्स एंड विड्थ इज 12 मीटर्स. तो विड्थ जो है वो 12 मीटर्स है, ये आपको याद रखना है. चलिए ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Alright, let's go. The length of MV Ganga Vilas vessel is 62 meters and width is 12 meters. Yes, we have seen. It has 3 decks, 18 suites on board with a capacity of 36 tourists. The expected date of arrival of this in Dibrugarh is on 1st March 2023. 1st March 2023. Chaliye, badhte hain aage. तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों, अब तो याद रहेगा आई एम श्योर आप सभी को. लेट्स गो. ऑलराइट, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्लेस्ड ब्रायन हम्फ्रीज, ये आप देख सकते हैं, टू बिकम कॉग्निजेंस न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विद इमीडिएट इफेक्ट. पूछ सकते हैं हमसे इस तरह के क्वेश्चंस. बी रवि कुमार इज द करेक्ट आंसर. अब देख सकते हो यहाँ पे कॉग्निजेंट, यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात हो रही है. फॉर्मर इंफोसिस प्रेसिडेंट रवि कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कॉग्निजेंट, ठीक है, अभी से हो चुका है ये. सक्सीडेड सीईओ ब्रायन हम्फ्रीज हु विल बी डिपार्टिंग फ्रॉम द कंपनी इन द मंथ ऑफ मार्च. अब ये कॉग्निजेंट भी एक आईटी जायंट है, देख सकते हैं आप, जो प्रीवियसली जो है वहां पे रवि जो थे वो अमेरिका जो का जो विंग था कॉग्निजेंट का, वहां पे वो लीड एज अ लीडर रह चुके हैं. ही हैज 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इंफोसिस वेयर ऑब्वियसली काफी सारे लीडरशिप रोल्स उन्होंने रखे थे. चलिए जी बढ़ते आगे. शरद यादव हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड थे शरद यादव जी. तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, द करेक्ट आंसर राष्ट्र जनता दल, आरजेडी. आपने नाम सुना होगा आरजेडी का जरूर. तो राष्ट्रीय जनता दल यहाँ के ये पॉलिटिशियन थे और भी पास्ड अवे इन हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में इनकी डेथ हो गई. लोकसभा ये देख सकते हैं, ही वाज फर्स्ट इलेक्टेड टू द लोकसभा एट द एज ऑफ 27 इन द ईयर 1974. ही वाज इलेक्टेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश बदौन देख सकते हैं पार्लियामेंट्री सीट इन द ईयर 1989. चलिए हमारे जन्म से पहले की बातें. विच आर द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स स्टीयरिंग कमिटीज फॉर कैंपा, दैट इज कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड एन एनुअल प्लान ऑफ रुपीज 1,086 crore राइट फॉर द ईयर 2023 टू 2024 टू रिड्यूस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. आपको पता है हम टाइगर्स की बात कर लेते हैं, तो वो जो भी एरियाज होते हैं जहाँ पे टाइगर सेंचुरीज होती हैं, आसपास के जो गांव होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि आए दिन क्योंकि जंगल में इतना खाना वाना मिलता नहीं है, टाइगर्स आते हैं, लेपर्ड्स आते हैं, इस तरह से काफी सारे वाइल्ड एनिमल्स आते हैं, जो भी कार्निवोर्स हैं सारे के सारे आके और कभी गाय ले जाते हैं, कभी बफेलो ले जाते हैं, कभी कोई बछड़ा ले जाते हैं, तो इस तरह से काफी हमले करते हैं. तो फिर गुस्से में आके कह सकते हो आप, या फिर एज अ मैटर ऑफ डिफेंस, राइट, डिफेंस के पर्पस से भी क्या करते हैं आदमी, जो भी आदमी बोल रहा हूं, मतलब ह्यूमन बींग्स, व्हाट डू दे डू, दे ऑफन किल दोज एनिमल्स. तो इस वजह से बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आती है. अब यहाँ पे किसी की भी गलती आप ऐसे एज सच बोल नहीं सकते, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है. जानवर को खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, जाएगा खाना खाएगा. और अगर एक जगह उसको पता चल गया टाइगर को कि यहाँ पे खाना मिलता है ऐसे मुफ्त का लंच या मुफ्त का डिनर, तो वो तो वापस आ सकता है वहां पे. तो इस सिचुएशन में वो जो ह्यूमन बींग्स जो रह रहे हैं वहां पे उनके लिए भी खतरा है, राइट, क्योंकि ऑफकोर्स उन खुद की जानवर के लिए भी खतरा है उनके, और उसके साथ ही उनके लिए भी पर्सनली इट्स थ्रेट. तो इस वजह से वो मार देते हैं. तो ये जो है, तो आप देख सकते हो इसके लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि ऐसा कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी. इसके साथ ही ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, इसके साथ ही क्या हो रहा है, जंगल भी छोटा हो रहा है. अब
जानवर क्या करें, राइट हम देख रहे हैं जितना कम एरिया अगर इनको मिलेगा जानवर को, आज इंडिया में 24% अप्रोक्सीमेटली जो लैंड है वो फॉरेस्ट है। ये कुछ समय पहले इट वाज मोर देन 30%, तो बहुत ही जबरदस्त जल्दी जल्दी आप कह सकते हो रिड्यूस हो रहा है पूरी जगह। तो कुछ बचाने के लिए इस तरह के इनिशिएटिव्स आर मैंडेटरी, राइट। तो ये देखिए आप, ओडिशा गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये जो है इट वाज, ये देख सकते हो, द प्लान वाज अप्रूव्ड ड्यूरिंग अ मीटिंग व्हिच वाज चेयर्ड बाय चीफ सेक्रेटरी एस सी मोहपात्रा। ऑल्सो रेज द इश्यू रिलेटिंग टू वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एक्टिविटीज, जैसा मैंने आपको डिस्कस किया, बींग एक्सटेंसिवली कैरिड आउट थ्रू कैंपा फंड। तो ये जो फंड होंगे इस तरह से यूज किए जाएंगे, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे। या ये क्वेश्चन पढ़िए और बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर। आपको पता है वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आपसे ये पूछ रहे हैं, अभी रिसेंटली इंडियन स्किमर्स इनको साइट किया गया कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये कहाँ पे है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? द आंसर, इट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हो, द गोदावरी एस्टुअरी इन आंध्र प्रदेश हैज बिकम अ प्राइम एंड सेफ हैबिटेट ऑफ द इंडियन स्किमर। ऑन जनवरी 10, ये देख सकते हैं आप, एज मेनी एज 250 इंडियन स्किमर्स वर साइटेड इन द कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाउ कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड वेयर? तो ये आपको पता होना चाहिए, द कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। तो ये वेरी गुड कृष्णा, सुजाता, काफी लोगों ने ये सही जवाब दिया, जोया, वेल डन बड़ी, गुड जॉब एवरीवन, गुड जॉब, बिल्कुल सही। चलिए अब ये इंडियन स्किमर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से भी आप देख लीजिए। चलिए, इट इज फाउंड इन द कोस्टल एस्टुरीज ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, और ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं। IUCN का जो स्टेटस है इनका वो एंडेंजर्ड है, मतलब काफी ज्यादा, काफी कम क्वांटिटी में ये मौजूद है, राइट। सो इट माइग्रेट्स टू द गोदावरी फॉर फीडिंग, राइट। तो खाने के पर्पज से जो इंडियन स्किमर्स हैं वो वहां पे जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये बर्ड्स होती हैं ऑफ कोर्स, इनका जो प्राइम फूड है वो फिश, उसी पे निर्भर करती हैं। तो जब सर्दी होती है तो ऐसी जगह जाती हैं वो जहां पे उनको जो टेम्परेचर है वो इस तरह का मिले कि फिश आराम से वहां पे अवेलेबल हो, वो आराम से अपना हंट जो है वो कर सके। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, क्विकली रीड इट एंड फटाफट से आंसर शेयर कर दीजिए। चलिए, ऑलराइट, आई होप सबको IUCN का फुल फॉर्म पता है, वो भी लिख दीजिए आगे बढ़ने से पहले क्विकली। तो IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। IUCN क्या है तो लिख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, राइट। सो ये आप लिख लीजिए IUCN, राइट। तो यहाँ पे एंडेंजर्ड कैटेगरी। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन ये रहा, DRDO हैज लॉन्च्ड द पृथ्वी टू, SRBM पृथ्वी टू फ्रॉम ओडिशा कोस्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SRBM? SRBM ऑब्वियसली बैलिस्टिक मिसाइल होगी ये। तो क्या है जी बैलिस्टिक मिसाइल? जितनी भी मिसाइल्स आपने, हमने DRDO ने लॉन्च करी है, बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं। तो आपको पता है काफी इजी था, जैसा जोया और सुजाता ने तुरंत बता दिया, शॉर्ट रेंज या बैलिस्टिक मिसाइल। अगर आपको SR का फुल फॉर्म पता भी नहीं था तो भी बैलिस्टिक मिसाइल तो पता ही था, तो बहुत ही आसान था। वेरी गुड एवरीवन, यश, गुड जॉब बड़ी। सो पृथ्वी टू देख सकते हो, मिसाइल इज अ वेल एस्टैब्लिश सिस्टम, इट वॉज लॉन्च फ्रॉम द ओडिशा कोस्ट, डेवलप्ड बाय DRDO। तो पूछ सकते हैं आपसे किसने डेवलप किया इसको, तो डेवलप्ड बाय DRDO, राइट। प्लीज पार्डन मी फॉर माई हैंड राइटिंग। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग लॉन्च द मिसाइल हिट्स इट हिट इट्स टारगेट विद एक्यूरेसी, तो टेस्टिंग सक्सेसफुल रही। साथ में इसकी रेंज क्या है वो भी दी हुई है, तो रेंज है इसकी आप देख सकते हैं 350 किलोमीटर, राइट। 350 किलोमीटर इज द रेंज। गुड जॉब कृष्णा। चलिए बढ़ते हैं आगे गाइस, क्विकली एवरीवन, जिसने भी ज्वाइन कर लिया फटाफट से लाइक का बटन दबाने में कोई कंजूसी नहीं, कोई देरी नहीं, फटाफट से। ओके, इन द मंथ ऑफ जनवरी द न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम हैज बीन नेम्ड एज द PMG KAY, what is the full form of this? बताइए, यूनियन कैबिनेट ने किया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, सी इज द राइट आंसर। सो PM का तो हमें पता ही था, प्रधानमंत्री गरीब, ये भी आप कॉमन देख सकते हैं यहाँ पे, कल्याण अन्न योजना, सो सी इज द करेक्ट आंसर।
वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने जोया। ऑलराइट, सो ये याद रखना है आपको, फूड सिक्योरिटी स्कीम। अब यहाँ पे देखिए, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीनेम कर दिया है द न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम, इसको नया नाम दे दिया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। Prior to this, the Union Cabinet had approved this scheme for providing food grains to Antodaya Ann Yojana and primary household beneficiaries. So, जो भी आप कह सकते हैं below poverty line के जो लोग हैं, उन सब के लिए free food grains यहाँ पे मिलेंगे अलग-अलग schemes के under. तो उन्हीं जो schemes हैं, उनको अब आप देख सकते हैं फायदा मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फ्री फूड ग्रेन्स मिलेंगे। दिस स्कीम केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 1st of January 2023। फ्री फूड ग्रेन्स के साथ जो भी और भी बेनिफिट्स है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। दीज आर ऑल अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, अंडर द NFSA की जो एम्बिट है उसके अंडर ये सारी चीजें हो रही है। In the month of January, the Indian High Commission signed an agreement with which of the following university to establish a Hindi chair with an aim to familiarize students with India, its history, culture, language. Kis university ne kiya hai dosto ye? Ye kiya hai ji. Yes, it is B here. Right? To ye dekh sakte ho aap. Sabra Gamua University. ठीक है, सो इस यूनिवर्सिटी ने ये स्टार्ट कर दिया है, ये है लोकेटेड इन श्रीलंका। राइट, सो अब जरूरी है अपने नेबर्स की लैंग्वेज पता होनी चाहिए, खासकर जब आपकी इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी हो, राइट, जैसे कि श्रीलंका की है। वी आर द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ श्रीलंका, ये पता होना चाहिए आप सबको, इस वजह से भी जरूरी है। तो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है हम, और होना भी चाहिए हमें, क्योंकि हम एकदम सबसे नजदीक है उनके। जो दूसरी सबसे नजदीक कंट्री है वो प्रॉबली बांग्लादेश, राइट। तो मतलब आप देख सकते हैं, हाँ, आप सबके पास आई एम श्योर ग्लोब होगा, तो आप देख सकते हैं वेयर इज श्रीलंका और उसके आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, है ना, ये सब आप देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल, व्हाट इज द थीम ऑफ द इवेंट, बताइए जरा थीम क्या थी। तो द करेक्ट आंसर इज विकसित युवा। विकसित युवा इज द नेम ऑफ द थीम, विकसित युवा, विकसित भारत। राइट, विकसित मींस आपको पता है डेवलप्ड, राइट, सो युवा मींस यंग, सो डेवलप्ड यूथ, डेवलप्ड इंडिया, राइट, सो दिस इज द थीम, सो विकसित युवा, विकसित भारत। दिस फेस्टिवल इज गोइंग फ्रॉम 12th to 16th of January, तो ये अभी तक चल रहा है। ऑलराइट, अब इसमें क्या होता है जी, फोक म्यूजिक, फोक डांस, ये सब चलता है नेशनल यूथ फेस्टिवल में। Alright, the Henley Passport Index for the year 2023 has been released. In this context, which of the following statement is correct? In mein se kaun sa statement correct hai? Ye pooch rahe hain aapse. The correct answer here, this report was released by Henley and Partners. Ab yahan pe dekhiye aap kuch cheezein. According to this Passport Index for the year 2023, Japan with 193 destinations, jahan pe unko on arrival visa mil jata hai, उनका स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, जापान विद रैंक नंबर वन। उसके बाद सेकंड पे है सिंगापुर एंड साउथ कोरिया, दोनों में 192 डेस्टिनेशंस है, तो सेकंड पोजीशन इनकी मिलती है। फिर आ जाता है जर्मनी, स्पेन, फिर फिनलैंड, फिर इटली, लक्जमबर्ग, और इंडिया हैज इंप्रूव्ड वन रैंक, और अब आ गई है हम 85th पोजीशन पे आ गए हैं हम विद 59 डेस्टिनेशंस वर्ल्ड वाइड, जहां पे हमें ऑन अराइवल वीजा मिलता है। बाकी सब जगह क्या करना पड़ता है, पहले एडवांस में अप्लाई करना पड़ता है। बॉटम रैंक्ड कौन है, तो देख सकते हो आप अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इज देयर एट द बॉटम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यस जोया, वेरी गुड, इंडिया 85। ओके, ये आपको सबको पता होगा, अब रिसेंटली काफी आग लगा दी थी इस चीज ने, हमारे लिए बहुत अ मोमेंट ऑफ प्राउड फॉर इंडियंस, SS राजामौलीज डायरेक्ट, जो RRR है उसमें किस कैटेगरी में अभी अवार्ड जीता है बताइए। द करेक्ट आंसर, सर हमें रीड करने दो ना, तो करो ना रीड, कौन मना कर रहा है आपको रीड करने से। ठीक है, आप पॉज भी कर सकते हो आप रीड, और ज्यादा टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, द करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स, यस इट इज बी। देख, सबसे पहले तो आपने आंसर किया है सुजाता, आपको तो टाइम ही इससे आधा ही चाहिए जितना मैं दे रहा हूं उससे भी। तो वेरी गुड, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग इज द करेक्ट आंसर। बेटा डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेस्ट पिक्चर के लिए ये नॉमिनेट ही नहीं, हमने भेजा ही नहीं इसको इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में। तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, नाटू नाटू इज द नेम ऑफ द सॉन्ग, है ना, जिसे हिंदी में नाचो नाचो कर रीनेम करके या कह सकते हो आप ट्रांसलेट करके
रिलीज किया था। इसने जीत लिया है जी, बिल्कुल, बहुत प्रेस्टीजियस गोल्डन ग्लोब अवार्ड, तो ये आपको याद रखना है। ये मूवी नॉमिनेट जरूर हुई थी बेस्ट पिक्चर नॉन इंग्लिश के लिए, बट वहां पे नहीं, इसको मिल सकता था अवार्ड जेन्युइनली अगर ये इंटरनेशनल फीचर फिल्म वाले कैटेगरी में अगर नॉमिनेट हुई होती। बट उसकी जगह एक गुजराती फिल्म नॉमिनेट हुई थी इंडिया की तरफ से, उसका नाम क्या था जरूर बताइए, देखते आपको पता है कि नहीं। गुजराती फिल्म है, आपको पता होगा, द छेलो शो, ठीक है, तो वो नॉमिनेट हुई थी इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल कैटेगरी में। खैर, बेस्ट फिल्म किसको मिला तो देख सकते हैं आप, ये सारे अवार्ड लिख लीजिए। सॉरी, ओके, अबाउट दिस सॉन्ग आप देख सकते हो, नाटू नाटू, दिस वॉज कंपोज्ड बाय M.M. कीरवानी, संग बाय काला भैरव एंड राहुल सिपलीगंज, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए, बेस्ट सॉन्ग, वेरी गुड अरविंद, गुड जॉब जोया। ऑलराइट, हु हैज कंपोज्ड दिस सॉन्ग, अब ये देखो इस तरह से भी पूछ सकते हैं हमसे, अभी हमने जस्ट पढ़ा है, द आंसर इज M.M. कीरवानी, राइट। तो मल्टीपल क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम दिस वन इवेंट, बट डेफिनेटली डू एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम, जरूर इस पे आएगा, ठीक है। इसके अलावा बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी हैज वन द गोल्डन ग्लोब इन द बेस्ट फिल्म ड्रामा कैटेगरी, ये भी हमने अभी देखा था, द आंसर इज द फेबलमैन्स, राइट, अभी हमने यहाँ पे देखा। तो ये इस तरह से पूछ सकते हैं हमसे, बेस्ट ड्रामा, म्यूजिकल और कॉमेडी, इसके अलावा बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, ये कुछ कैटेगरीज है जो हमें पता होनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑफकोर्स बेस्ट मूवी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, डायरेक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड बिकॉज इंडिया हैज वन, RRR हैज वन, तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, ये भी कैटेगरी इस बार इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, इस बार इन सब के विनर्स बताने चाहिए हमें। बेस्ट एक्टर मेल, बेस्ट एक्टर फीमेल यानी कि एक्ट्रेस, ये कुछ कैटेगरीज हैं जो हमें पता होनी ही होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बताइए व्हाट इज द थीम ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन इंदौर मध्य प्रदेश। फोर्टींथ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, द करेक्ट आंसर हियर इज द थीम मध्य प्रदेश अ फ्यूचर रेडी स्टेट, राइट, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द 14th क्वेश्चन, डू रिमेम्बर दिस। अब यहाँ पे देखिए, आप थीम पूछ सकते हैं हमसे और वेन्यू भी पूछ सकते हैं। तो इंदौर मध्य प्रदेश में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, ये बहुत अच्छी बात है, इंडिया में ये सब चीजें हो रही है। अब देखिए, मध्य प्रदेश अ फ्यूचर रेडी स्टेट, दिस वॉज द थीम। Environmental protection has been taken care of in this summit that will be completely based on carbon neutral and zero waste. मतलब यहाँ पे पूरा environment friendly रहेगा ये पूरा जो summit है वो, ठीक है। But जिस जो attend करने आएंगे उसको वो कैसे आएंगे आपको पता ही है। चलिए खैर। All right, as of 10th January, who has equaled Sachin Tendulkar's record of slamming 20 one-day international centuries on home soil? That is, in India, 20, आप देख सकते हो, 20 one-day international centuries equal कर दिए है। तो obviously, इनमें कौन है जी सही जवाब? विराट कोहली। प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर तो आप कह सकते हो, चलिए प्रसिद्ध तो बिल्कुल ही बॉलर है, शार्दुल इज एन ऑलराउंडर, बट द करेक्ट आंसर हियर ऑफ कोर्स इज विराट कोहली। लंबे समय से खेल रहे हैं, सेंचुरी मास्टर हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने श्रीलंका के सामने फिर से एक शानदार सेंचुरी मारी थी, 80 बॉल्स में 100 बना दिया, तो उसके साथ ही हम जीत भी गए थे पूरा टूर्नामेंट भी, टूर्नामेंट मतलब 2-0 से आगे, और आज का भी मैच जो है हम डेफिनेटली जीत ही जाएंगे, क्या बोलते हो दोस्तों, जीत जाएंगे ना। चलिए, 379 ऑर्डर बना लिए थे हमने 49 ऑड ओवर्स में, विराट कोहली ने आज फिर एक सेंचुरी मार दी, तो बिल्कुल 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 कोई नहीं रोक सकता हमें, हम ही जीतेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेट्स मूव ऑन। ऑलराइट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द गुवाहाटी एयरपोर्ट विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी। तो जनवरी से कौन बन गए हैं, अब अपॉइंट हो गए हैं, द करेक्ट आंसर इज एनके सिंह। अब एनके सिंह जी बन गए हैं गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। अब ये आपके एग्जाम तक अगर चेंज हो जाता है तो यू हैव टू कीप अ टैब ऑन द सेम, राइट। तो अभी आप अपनी जगह वहां पे लिख दीजिएगा, गुवाहाटी हाईकोर्ट चीफ जस्टिस इन द मंथ ऑफ जनवरी एनके सिंह अपॉइंट हुए हैं। नोंग माइकपम कोतिश्वर सिंह, राइट। तो एनके सिंह करके याद रखिएगा आप,
और ये चेंज भी हो सकता है समय के साथ, राइट? विद टाइम इट कैन चेंज ऑल्सो, तो इस वजह से आप ये याद रखना। चलिए बढ़ते आगे। व्हाट इज द आंसर? नेम द क्रिकेटर फॉर नॉमिनेटेड फॉर आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। अब यूजुअली मैंने आपको ये बताया है, प्लेयर ऑफ द मंथ आपसे ना पूछ के वो क्या पूछ सकते हैं, कौन सी कंट्री से है ये। तो हैरी ब्रुक इज द करेक्ट आंसर। हेल्स फ्रॉम विच कंट्री, दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। द करेक्ट आंसर इंग्लैंड, ऑफ कोर्स, राइट? सो द करेक्ट आंसर हियर इज इंग्लैंड। तो हैरी ब्रुक है इंग्लैंडी क्रिकेटर, अभी रिसेंटली आईपीएल में भी अब ये इस साल खेलते हुए दिखेंगे। 13.5 करोड़ में खरीदा है इसको, इनको किसने? तो ये खरीदा है सनराइजर्स हैदराबाद ने। तो एसआरएच की तरफ से खेलेंगे हैरी ब्रूक, ठीक है? तो ये पहली बार प्लेयर ऑफ द मंथ भी बने। चलिए, और इसके साथ ही फीमेल जो बनी क्रिकेटर, मेंस तो प्लेयर ऑफ द मंथ थे हैरी ब्रूक, और फीमेल क्रिकेटर ऑफ द मंथ जो थी वो थी ऑस्ट्रेलिया की एशली गार्डनर, राइट? तो ये है, ऑलराउंडर है, बहुत अच्छी प्लेयर है ऑफ कोर्स। ऑलराइट, ये देखिए आप, तो देख सकते हैं एशली गार्डनर बनी, जैसे मैंने बोला आपको, प्लेयर ऑफ द मंथ। अब ये किस कंट्री से एसोसिएटेड है, इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कीजिए, ऑस्ट्रेलिया से है, राइट? सो इन शी इज एन ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर, ठीक है? चलिए, अच्छी बॉलिंग बैटिंग दोनों अच्छी है करती है। ऑलराइट, अब ये बताइए, ये जो है क्वेश्चन, अगेन इट्स फ्रॉम जनवरी। इंडो अमेरिकन एरोस्पेस एक्सपर्ट जिसे न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बना दिया गया है नासा में, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, सो दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। बताइए जरा क्या है जी सही जवाब यहाँ पे 19th क्वेश्चन का। गुड जॉब जोया, द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही कहा आपने, इज डी ए सी चरण्या। ए सी चरण्या इज द करेक्ट आंसर। ये बन गए हैं जी इन, आप देख सकते हैं नासा के न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन ऑफ कोर्स। नासा से हमें बहुत ही तगड़ा फैसिनेशन है, आप सभी को पता है ये। सो द करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स हैज टू बी रिमेम्बर्ड, ठीक है जी? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेम द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई हुज टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर। नाउ दीज आर इंपॉर्टेंट, आपसे गवर्नर भी पूछ सकते हैं और जो चारों डेप्यूटी गवर्नर्स हैं उनके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है? गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर दोनों के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। द करेक्ट आंसर हियर क्या है जी दोस्तों, सही जवाब, द करेक्ट आंसर फॉर द 20th क्वेश्चन, इट इज माइकल पात्रा। माइकल पात्रा इज द करेक्ट आंसर। डू रिमेम्बर दिस गाइस, देयर विल बी नो कोई भी आपको वैसा पीडीएफ नहीं मिलेगा, देर इज नो शॉर्टकट, राइट? आपको ये सेशंस देखने जरूरी हैं। अगर आप पीडीएफ के भरोसे हैं तो मत रहिएगा यहाँ पे। आपको मेरी तरफ से तो यही एडवाइस है कि बिल्कुल आप ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ पीडीएफ कर लिया और आपका काम हो जाएगा ऐसे। तो अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए किसी भी चीज की, तो आपको जो क्लैट इग्नाइट मैगजीन है वहां वो आपको मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में, जिससे आपको सारी चीजें जो है वो आपको वहां पे पता चल जाएगी, है ना? पूरा इंपॉर्टेंट मंथ में क्या क्या चीजें हुई है, बट वो काफी नहीं रहेगा। उसके साथ आपको यूट्यूब वीडियोस, उसके साथ आपको आपकी जो न्यूज़पेपर रीडिंग है, न्यूज़पेपर के जो नोट्स हैं, और उसके साथ ही आपके जो क्लास नोट्स हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ये सब जब मिलेंगे तब जाके आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन विद रिस्पेक्ट टू जनरल अवेयरनेस हो जाएगी। तो यही मेरी एडवाइस है आप सभी को, डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन टेलीग्राम। जैसा मैं आप देख रहा हूँ बहुत बच्चे हो गए हैं, आई विल मेक श्योर कि भाई टेलीग्राम में अब हम शेयर ना करें, क्योंकि ठीक है आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम टेलीग्राम पे ही जो है सारा देख लेंगे, पढ़ लेंगे। चलिए, Who has been appointed as a director of Facebook parent Meta Global Business Group in India? Director of Facebook parent Meta Global Business Group in India. What is the correct answer for the 21st question? The correct answer is Vikas Purohit. तो देख सकते हो आप, विकास पुरोहित इनको बना दिया गया है, Facebook के जो पेरेंट कंपनी है मेटा, तो ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इन इंडिया के हेड बना दिया गया है इनको। चलिए, ये पहले टाटा क्लिक के भी हेड रह चुके हैं। ऑलराइट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सिक्स्थ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री बाय गेबन्स प्रेसिडेंट अली बोंगो। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर गाइस फॉर द 22nd क्वेश्चन? द करेक्ट आंसर हियर इज रोज क्रिस्टीन आसुका रापोंदा। तो देख सकते हो काफी बड़ा सा नाम है, बट ये जी सही जवाब है, राइट? सो वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं ये, और फर्स्ट देख सकते हो आप, द प्रेसिडेंट ऑफ गेबन
अली बोंगो हैज अपॉइंटेड द कंट्रीज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर रोज क्रिस्टीन ओसुका रफोंदा एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी थी यहाँ की, ठीक है, गैबन की। तो डू रिमेम्बर दिस, शी वॉज अपॉइंटेड एज कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर इन द मंथ ऑफ जुलाई 2020। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। करेंसी, तो ये भी आप देख सकते हैं, सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक, दैट इज द करेंसी। ओके, मूविंग ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टूरिज्म बोर्ड हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स विद चैप्टर्स ऑफ 8 कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, दैट इज जीओपीआईओ, एट द 17th एनआरआई डे, दैट इज प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन, विच वॉज हेल्ड इन इंदौर। तो दोस्तों आपको पता है एनआरआई डे, ठीक है। चलिए बताइए जी, यहाँ पे बहुत आसान है, कौन से स्टेट ने साइन किया? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, राइट। तो 8 कंट्रीज के साथ यहाँ साइन किया गया। अब मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड साइंड अग्रीमेंट विद द चैप्टर्स ऑफ 8 कंट्रीज। चैप्टर्स का मतलब है जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके साथ डील करी है। तो यहाँ पे ऑफ दी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन एट द 17th एनआरआई डे, ठीक है। तो एनआरआई डे के दिन किया गया। व्हेन डू वी ऑब्जर्व एनआरआई डे, जल्दी से बताइए, व्हेन डू वी ऑब्जर्व द एनआरआई डे? एनआरआई डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? व्हेन डू वी ऑब्जर्व द एनआरआई डे? द आंसर जल्दी से देखते हैं, सबसे पहले कौन बताता है? पता है ना कब है जी? अभी गई है, कुछ दिन पहले, जस्ट अबाउट अ वीक बैक। मीन वाइल चलिए आपका आंसर तक, ये भी क्वेश्चन बता दीजिएगा, कौन रीअपॉइंट हो गया है बीसीसीआई की मेंस और विमेंस की सीनियर क्रिकेट टीम के चेयरमैन, राइट, चेयरमैन ऑफ द, बताइए, बीसीसीआई क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी। ये जो टीम सिलेक्शन होती है उनकी कमेटी के हेड, द करेक्ट आंसर, या अगेन रीअपॉइंट हो गए हैं चेतन शर्मा। चेतन शर्मा हैज बीन रीअपॉइंटेड फॉर द पोजिशन। इनके अलावा और भी जो लोग हैं जो अपॉइंट हुए हैं वो हैं शिव सुंदर दास, सलील अंकोला, ये फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं इंडिया के, सुब्रतो बैनर्जी और एस शरत, राइट। तो ये अपने अपने जोन से सिलेक्ट हो चुके हैं। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह है, ये भी याद रखिएगा। और कौन है जी बीसीसीआई का प्रेसिडेंट? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई? सो इट इज रॉजर बिनी, राइट, द हाईएस्ट विकेट टेकर 1983 वर्ल्ड कप में इंडिया से। चलिए बढ़ते आगे। इन जनवरी हु बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 1500 रन इन T20 इंटरनेशनल्स इन टर्म्स ऑफ बॉल्स फेस्ड? ये दो इस जिस हिसाब से चल रहे हैं लगता है सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, 2000, 2500, 3000, 4000 सब ले जाएंगे ये। वे टॉकिंग अबाउट नन अदर देन सूर्य कुमार यादव, राइट। बी इज द राइट आंसर, फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 1500 रन इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, सूर्य कुमार यादव टुक ओनली 843 बॉल्स टू रीच देयर, राइट। बाकी और भी बहुत लोग हैं जो पहुंच चुके हैं इसी इनिंग्स में, इससे लेस इनिंग्स में। ही हैज टेकन 45 इनिंग्स, विराट कोहली टुक 43 इनिंग्स, बाबर आजम आल्सो टुक लेसर इनिंग्स। बहुत लोग हैं जिन्होंने कम इनिंग्स में बना दिए, बट इन्होंने जो नंबर ऑफ बॉल्स है वो काफी कम खेली। जैसा कृष्णा को पता था, जोया को भी पता था, गुड जॉब। तो देख सकते हो विराट कोहली, बाबर आजम, केएल राहुल, एरन फिंच, इवन रिजवान हैव प्लेड फ्यूअर इनिंग्स देन सूर्य कुमार यादव टू रीच द प्रेस्टिजियस मार्क ऑफ 1500 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट इन T20। चलिए इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, पतंगबाजी, राइट, ऑर्गेनाइज्ड, अब ये 8 से 14 जनवरी 2023 कहाँ हुआ ये? अब दोस्तों मकर संक्रांति, आप भी आपको पता है बहुत बड़ा फेस्टिवल था, तो यहाँ पे 14 जनवरी तक उसको ऑब्जर्व किया गया अहमदाबाद में, राइट। बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है गुजरात में, तो वहां पे ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, राइट, ये अक्सर किया जाता है वहां पे। तो चीफ मिनिस्टर गुजरात के भूपेंद्र पटेल, इन्होंने इनॉग्रेट किया काइट फेस्टिवल। थीम जो थी इस बार की विल बी हेल्ड विद द थीम ऑफ G20, राइट, देख सकते हो, इसका वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, दिस इज द थीम। सो डू रिमेम्बर, इजी है याद रखना हमारे लिए ऑफकोर्स। तो ये भी देख सकते हो उत्तरायण जिसे हम कहते हैं, तो उसका ये सेलिब्रेशन होता है ऑफ कोर्स, ठीक है, और अहमदाबाद में बहुत धूमधाम से भी बनाया जाता है। और वैसे तो कई जगह जो जयपुर में भी बनाया जाता है, कई जगह जो है ये सेलिब्रेशन होते हैं। ऑलराइट, वेरी गुड, अहमदाबाद, गुड जॉब अरविंद। ऑलराइट,
केशारी नाथ त्रिपाठी पास्ड अवे रिसेंटली, वाज अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट. तो ये कौन से गवर्नर, कहाँ के गवर्नर थे? वेस्ट बंगाल के फॉर्मर गवर्नर थे, रिसेंटली पास्ड अवे, बीजेपी के बहुत बड़े लीडर थे, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल. ठीक है, चलिए. बिहार, इससे पहले ही हैज बीन गवर्नर ऑफ बिहार एज वेल, मिजोरम, मेघालय, यहाँ पे भी ये अपॉइंटेड थे. चलिए, लॉयर थे, याद रखिएगा. ठीक है, चलिए. और यस, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट भी रह चुके हैं. सर, एमएचसीईटी के लिए भी न्यूज़पेपर रीड करना पड़ेगा क्या करंट अफेयर्स के लिए? नहीं बेटा, एमएचसीईटी के लिए जरूरत नहीं है. बट अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली मस्ट रीड, है ना. और अगर सिर्फ एमएचसीईटी चल रहा है अभी और स्लैट और वो सब है आपका अभी, तो फिर तो न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं है. यू कैन सेव दैट टाइम, यू कैन वॉच दीज मैराथन सेशंस दैट वी आर कंडक्टिंग, दे विल बी वेरी हेल्पफुल. चलिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय निकी एशिया, इंडिया सरपास्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट इन द वर्ल्ड. अब देखिए दोस्तों, पहली बार ये हुआ है, हम थर्ड लार्जेस्ट बन गए ऑटो मार्केट. सबसे पहले फर्स्ट पोजिशन इज विद चाइना, सेकेंड इज विद यूएसए, थर्ड नाउ इज विद इंडिया, फोर्थ इज जापान. तो जापान को पीछे छोड़कर हम बढ़ गए हैं आगे. वी आर नाउ दैट द नंबर थर्ड स्पॉट. फर्स्ट पोजिशन विद चाइना, सेकेंड विद यूएस, थर्ड इंडिया एंड फोर्थ इज नाउ जापान, राइट. तो यहाँ पे देख सकते हो, नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड वी हैव एक्चुअली मोर देन ब्यूरो दैट ऑफ जापान. तो जापान से हमारी लगभग, देख सकते हैं आप, जापान की थी ये देख सकते हो आप 4.2 मिलियन यूनिट्स सोल्ड और हमारी 4.25. तो हमारी उनसे आप कह सकते हो लगभग 5,000 ज्यादा सेल हुई. जापान बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर, आपको लग रहा होगा इतनी छोटी सी जापान, पर मैन्युफैक्चर बहुत बड़ा है वो. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कार का हब है, राइट. और जितनी ज्यादा बड़ी कंट्री होती है, हमारे यहाँ सबके पास कार नहीं होती है, बट जापान में और ऐसी कंट्रीज में जहाँ पे पैसा काफी ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, बट सबके पास कार्स होती है, ज्यादातर आप ऐसे देखेंगे डेवलप्ड स्टेट्स है, कंट्रीज. ओके, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप बाय हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर? बताइए जरा, इनमें से किसको चूज किया गया है? तो आप देख सकते हैं, ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़. वेरी गुड सुजाता, डी वाई चंद्रचूड इज द करेक्ट आंसर. द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज बीन अवार्डेड बाय द हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन इन द लीगल फ्रेटर्निटी, लीगल प्रोफेशन के लिए जो उन्होंने दुनिया में, भारत में जो भी नाम कमाया, जो भी किया है उन्होंने, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए ही हैज बीन अवार्डेड दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप. ओके, हु अमंग द फॉलोइंग अवार्डेड? गुड जॉब ऋतु, निकम, वेल जान, गुड जॉब जोया, बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर. चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द 2022 स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर? अब ये मिला है दोस्तों बेथ मीड को. बेथ मीड हैज रिसीव्ड दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड. ये इंग्लैंड की फुटबॉलर है, बहुत अच्छा खेलती हैं और इनको ये अवार्ड मिला. ऑफ कोर्स अच्छा खेलती हैं इसीलिए ही अवार्ड मिला है. इसी के साथ देख सकते हैं आप, सरीना विगमैन, राइट, इंग्लैंड मैनेजर, हैज वन द कोच ऑफ द ईयर. ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा. चलिए, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर बेथ मीड. ओके, मूविंग ऑन, एस रबुका हैज बीन इलेक्टेड एज अ 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ये वो कंट्री है जहां पे हिंदी भी बोली जाती है. द करेक्ट आंसर इज फीजी. फीजी इज द राइट आंसर, डू रिमेम्बर दिस. तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट हैज एंडेड, अब यहाँ पे देख सकते हो, इज अपॉइंटमेंट हैज एंडेड 10 days ऑफ अनसर्टिनिटी कि भाई क्या होगा, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा. फाइनली अब आ चुका है, तो क्योंकि यहाँ पे हंग पार्लियामेंट हो गई थी. हंग पार्लियामेंट, आई होप आप सबको पता होगा, ये एक वर्ड है, मैं आपको समझा देता हूँ. हंग पार्लियामेंट, हंग पार्लियामेंट, हंग क्या क्या मतलब, लटकी हुई. तो लटकती कब है पार्लियामेंट? जब जो सीट्स है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, 100 सीट्स है, राइट. एक पार्टी को आ गई 50 सीट, दूसरी पार्टी को भी 50 सीट, ऐसा एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ. ठीक है, अब ए पार्टी के पास 50 सीट्स है, बी के पास 50 सीट्स है, मेजोरिटी कौन प्रूव कर सकता है? तो अब क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं, जो ए पार्टी को समर्थन दे देते हैं या तो बी पार्टी से, या कुछ लोग ए पार्टी के होते हैं जो बी पार्टी को समर्थन दे देते हैं. तो यही जो है क्रॉस इधर उधर जब जो जाते हैं पार्टी छोड़ छोड़ के, तो इस सिचुएशन में काफी अनसर्टेनिटी रहती है कि कौन सी पार्टी आएगी पावर में. जो भी, जिसको लगता है मेजोरिटी प्रूव हो जाएगी, वो
गवर्नर को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए और देख लीजिए, गिन लीजिए, हम मेंबर्स हमारी मेजोरिटी है। फिर वहां मेजोरिटी होती है, नहीं होती है, वो वोटिंग चलती है। कुछ टाइम के बाद मान लीजिए किसी के पास, ए के पास 51 वोट्स है, बी के पास 49 है, बी ने कुछ जोड़ तोड़ किया और उनके 5 मेंबर्स तोड़ लिए ए के, अब 46 और 54 रेशियो आ गया बी का, तो अब उनको फिर से प्रूव करना पड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ गवर्नर। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, राइट? तो इस तरह से चीजें होती हैं। हंग पार्लियामेंट क्या होता है, जब बराबर है, जब कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पा रही है, ऐसी सिचुएशन में या तो फिर वापस से इलेक्शंस भी कंडक्ट होते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि वापस से दोबारा इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी का पहली बार जब इलेक्शन लड़ी थी दिल्ली में, तब हंग पार्लियामेंट हो गया था, राइट? क्योंकि कोई भी पार्टी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पा रही थी और आम आदमी पार्टी ने जो है डिक्लाइन कर दिया था। कांग्रेस का पहले एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई, बट फिर वो दे वर नॉट हैप्पी, वापिस से इलेक्शन कंडक्ट करवाया और फिर एकदम मेजोरिटी में लेकर आए नंबर्स। चलिए बढ़ते आगे। इन विच स्टेट इज द हीराकुड डैम लोकेटेड? अब हीराकुड डैम कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। द करेक्ट आंसर हियर इज ओडिशा। ओडिशा इज द करेक्ट आंसर, देख सकते हैं आप। इज द हीराकुड डैम इज बिल्ट अक्रॉस द महानदी रिवर, राइट? अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट मेजर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट स्टार्टेड आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, राइट? ज्यादातर उससे पहले ब्रिटिशर्स ने बनवाए थे, इंडिया ने खुद ने बनवाए इस तरह के प्रोजेक्ट्स, काफी यंग है, बड़ी बात है। द महानदी इज अ मेजर रिवर ऑफ ईस्ट कोस्टल इंडिया। इट ड्रेन्स एन एरिया ऑफ अराउंड 141 मतलब देख सकते हैं 141,600 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड टोटल कोर्स ऑफ 848 किलोमीटर्स। द रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट स्टेट है ये हमारे ईस्ट कोस्टल इंडिया का। वेरी गुड सुजाता जोया। चलिए, विच इंडियन स्टेट इज बॉर्डर्ड यू नो बाय बांग्लादेश ऑन इट्स नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट? नॉर्थ साउथ और वेस्ट में बताइए जरा, विच इंडियन स्टेट इज बॉर्डर्ड बाय बांग्लादेश ऑन द थ्री साइड्स? द आंसर इज त्रिपुरा। त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर ऑफ द 33rd क्वेश्चन। ये आपको याद रखना है, त्रिपुरा इज अ स्टेट। अब ये इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ आपको कि मैप को लगातार देखते रहिएगा, मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के ज्योग्राफिकल क्वेश्चन आपको एमएससीईटी, एलेट, क्लैट, स्लैट जितने भी एग्जाम आप देंगे सभी जगह काम आएंगे, है ना? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब इसमें से बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन झारखंड? तो आप इसमें एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए, जो आपको पता है कि नहीं है वो आप हटा दीजिए। जैसे आपको पता है सरदार सरोवर डैम यहाँ पे नहीं है गुजरात में, तो इस तरह से अगर आपको मैथुर के बारे में पढ़ा या पता है या कोयना के बारे में पता है तो काफी हेल्प मिल जाती है। द करेक्ट आंसर या जैसा कि आपको पता है एच इज झारखंड, ये धनबाद में लोकेटेड है, ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम धनबाद, द माइथॉन डैम, राइट? तो माइथॉन ये धनबाद से लगभग 50 किलोमीटर दूर पे लोकेटेड है। इट इज स्पेशली डिजाइंड फॉर फ्लड कंट्रोल एंड ऑफ कोर्स इट जनरेट्स 60,000 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एज वेल, ठीक है जी। चलिए, वेस्ट बंगाल शेयर्स इट्स बाउंड्री विद हाउ मेनी कंट्रीज? बताइए जरा, स्टैटिक क्वेश्चन है अब आपके सामने। वेस्ट बंगाल अपनी जो बाउंड्री है कितनी कंट्रीज के साथ शेयर करता है? तो यहाँ पे आंसर देख सकते हैं 3। तो यहाँ पे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ठीक है। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश शेयर्स इट्स बॉर्डर विद म्यांमार, चाइना एंड भूटान, और साथ साथ वेस्ट बंगाल शेयर्स इट्स बॉर्डर विद इंडियन स्टेट्स, कितने सारे? तो ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम एज वेल एज असम, ठीक है। सिक्किम शेयर्स इट्स बॉर्डर विद भूटान, चाइना एंड नेपाल, तो ये हमें पता होना चाहिए। इस तरह से ईस्टर्न इंडिया के ऊपर कई सारे क्वेश्चन लगातार आते गए हैं पिछले कुछ सालों में। Which of the following river forms the famous Dhuadhar Falls? Dhuadhar Falls. The Dhuadhar Falls, Narmada is the correct answer. The Dhuadhar Falls, देख सकते हैं आप, Narmada River making its way through the world famous marble rocks narrows down and then plunges in a waterfall known as Dhuadhar. ये आपने वर्ड सुना होगा, धुआंधार बैटिंग करी, धुआंधार, धुआंधार एक वर्ड है कि मतलब एकदम ताबड़तोड़ जैसे वर्ड होता है, तो वैसे ही। तो धुआंधार फॉल्स आर लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर। चलिए दोस्तों फटाफट से आगे बढ़ते हैं, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस लेफ्ट। द ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ब्लू रेवोल्यूशन की जब हम बात करें तो आप बताइए, आप ऑब्वियसली रिलेट कर सकते हैं इसे
फिश प्रोडक्शन के साथ, यानी कि पानी के साथ, वाटर के साथ. तो ब्लू रेवोल्यूशन या रिलेटेड विद वाटर, फिश प्रोडक्शन डी इज द राइट आंसर. सो डू रिमेंबर दिस. चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन था ये. ऑलराइट, हियर वी गो. हाईएस्ट पीक दोदा बेटा इज लोकेटेड इन विच द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस. स्टैटिक जी के क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर. वेरी गुड अरविंद, बहुत खूब, वेल डन. द करेक्ट आंसर इज नीलगिरी. नीलगिरी इज द करेक्ट आंसर. डी इज द राइट आंसर. चलिए, नहीं नहीं, दो घंटे की क्लास नहीं है. ये जो क्लास है, ये सेशन है जिसमें 50 क्वेश्चन है आपके लिए. तो हम ऑलमोस्ट 39th, 40th क्वेश्चन पे, तो 10-12 क्वेश्चन बचे अभी भी, फिर कुछ बोनस भी पूछेंगे. ओके, द बंदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया. बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? बहुत अच्छे, वेल डन. कर्नाटका, बिल्कुल सही का जोया. वेरी गुड अरविंद, वेल डन. यस, कर्नाटका बंदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड इन, ये देख सकते हैं आप. ठीक है जी, अब कर्नाटका की बात हो रही है तो कर्नाटका में इसके अलावा बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं, और भी 5 टाइगर रिजर्व्स हैं टोटल. तो कौन कौन से हैं? बंदीपुर तो है ही, साथ में भद्र नागरहोल, ये देख सकते हैं आप, दंदेली अंशी एंड बीआरटी टाइगर रिजर्व्स. तो काफी सारे टाइगर रिजर्व्स है कर्नाटका में. ठीक है, कर्नाटका में जो पॉपुलेशन है टाइगर की वो भी काफी ज्यादा है. राइट, सेकंड हाईएस्ट आफ्टर एमपी. विच इज इंडियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक. ब्रैकिश वाटर का क्या मतलब हुआ दोस्तों? थोड़ा सा आप कह सकते हो, थोड़ा नहीं, काफी सॉल्टी. राइट, तो सॉल्टी पानी जो है, इनमें से बताइए कौन सा है. विच इज इंडियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, सॉल्टी वाटर लेक. द आंसर इज द चिल्का लेक. राइट, चिल्का लेक इज द करेक्ट आंसर. आसान क्वेश्चन है, इसके लिए स्टैटिक जी के नो एक्सप्लेनेशंस रिक्वायर्ड. आइडेंटिफाई द वाटरवेज विच सेपरेट्स द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. क्या है जी सही जवाब यहाँ पे? द आंसर इज द 10-degree चैनल. अब ये स्ट्रेट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो सेपरेट करते हैं दो कंट्रीज को, दो स्टेट्स को. दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, तो ये हमें पता होना चाहिए. तो 10-degree चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. दिस इज 150 किलोमीटर्स वाइड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो ये हमें याद रखना है. चलिए बढ़ते हैं आगे. वेयर इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड? इतना आसान क्वेश्चन आप सबके लिए, बताइए जरा कहाँ पे है दोस्तों? तो ईरान में तो है नहीं, आपको पता है. ऑस्ट्रेलिया में है नहीं, ये अफ्रीका में, ये तो बताइए. नॉर्थ या साउथ? तो ऑफकोर्स नॉर्थ अफ्रीका में. साउथ अफ्रीका में आपको बताइए सारी ये जिम्बाब्वे आपकी खुद की है, साउथ अफ्रीका, ऑल दीज कंट्रीज आर देयर. सॉरी, सो ऑल दीज कंट्रीज आर देयर. दिस डेजर्ट इज एक्चुअली लोकेटेड देयर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका. ठीक है, चलिए. वर्ल्ड का ये देख सकते हो आप, इट इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड एंड थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट ओवरऑल इन द वर्ल्ड. इट इज लोकेटेड इन द, ये देख सकते हो आप, latitudes under the subtropical rain, not that important. Covers large parts of these countries, Algeria, Egypt, Libya, Mali, etc. ठीक है, चलिए. Which of the following states lie along the border of Pakistan? Border of Pakistan, आपको पता ही है कौन कौन से हैं जी इसमें. तो the correct answer is Punjab is there, Gujarat is there, Rajasthan is there. Right, ये तीनों states जो है ये border पे हैं. चलिए बढ़ते हैं आगे. ये तो आसान था क्वेश्चन काफी ज्यादा. चलिए, लेट्स मूव ऑन. पाकिस्तान इज बाय द वे वर्ल्ड्स 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री. इंडिया इज सून गोइंग टू बी इन दिस ईयर इटसेल्फ लार्जेस्ट इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन में हम नंबर 1 होने वाले हैं इस साल. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एम्प्टीज इन टू द गल्फ ऑफ कैम्बे ऑफ द अरेबियन सी इन द स्टेट ऑफ गुजरात. द करेक्ट आंसर, which of the following rivers empties ya? The answer is the Tapti river. Right, Tapti river is the correct answer. Empties into the Gulf of Cambay of the Arabian Sea. It is around 700 kilometers and it is also called as the lifeline of Madhya Pradesh. So, is tarah se pooch sakte hain humse, which river is also known as the lifeline of Madhya Pradesh. So, it is, ye dekh sakte hain aap, the Tapti river. ठीक है, द गोदावरी रिवर इज इंडियाज लार्जेस्ट रिवर एंड थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया. सॉरी, सेकंड लॉन्गेस्ट एंड थर्ड लार्जेस्ट. लॉन्गेस्ट का मतलब हो गया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की लेंथ क्या है, और लार्जेस्ट का मतलब है इन टर्म्स ऑफ वाटर, आपके पास वाटर कैपेसिटी कितनी है. तो उसमें पूरा देखा जाता है, कितना लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब देखी जाती है. इट इज लार्जेस्ट इन पेनिनसुलर इंडिया एंड इट फॉर्म्स वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट.
The Krishna River is the fourth largest river in terms of water and water inflows and river basin area in India. खैर, दिल्ली की बात कर लेते हैं. तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स. शेयर दिस बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. ये 1911 में, 1911 में इंडिया का कैपिटल बना था. इससे पहले कैपिटल क्या था? कोलकाता, राइट. उस टाइम कैलकाटा नाम से जाना जाता था, वो कैपिटल था. 1911 में इसको शिफ्ट किया गया कैलकाटा से दिल्ली. तब से इंडिया का यही कैपिटल है. हाय नीलम, वेलकम. द करेक्ट आंसर हियर, शेयर दिस बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. द आंसर इज हरियाणा. हरियाणा के साथ ये बॉर्डर अपनी शेयर करता है, राइट. तो शेयर दिस बॉर्डर विद हरियाणा, द लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया इन इंडिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो काफी इसमें रिच लोग भी रहते हैं, 18 मिलियनर्स. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया एंड द वर्ल्ड. फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया एंड द वर्ल्ड. द करेक्ट आंसर इज कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क. द ओनली नेशनल, ये देख सकते हैं आप, फ्लोटिंग पार्क, राइट. ये लोकेटेड है मेघालय में, लोकेटेड इन मेघालय, राइट. गारो हिल्स ऑफ मेघालय. डू रिमेम्बर दिस. सॉरी सॉरी, इट इज लोकेटेड इन मणिपुर, राइट. मणिपुर, ये आप याद रखिएगा. बालपक्रम, ये जो ऑप्शन में दिया गया था, ए वाला, दिस इज लोकेटेड इन मेघालय. सो टू अवॉइड कंफ्यूजन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट से वापस से. चलिए, मणिपुर. सो किबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकेटेड इन मणिपुर. इसके साथ ही बालपक्रम नेशनल पार्क जो है, ये है लोकेटेड इन मेघालय. ठीक है, देखिए, गुगमल नेशनल पार्क लोकेटेड इन महाराष्ट्र, और नागरहोल जो है, दिस इज लोकेटेड इन कर्नाटका. कर्नाटका में काफी अच्छा फॉरेस्ट कवर है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा. चलिए, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, दीज मीट एट व्हाट हिल्स. कौन सी हिल्स पे मिलते हैं? तो ये द करेक्ट आंसर है नीलगिरी हिल्स, राइट. वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स जो माउंटेन रेंजेस हैं, दे मीट एट द नीलगिरी हिल्स. तो देख सकते हैं आप, वेरी सिंपल दिस इज क्वेश्चन. चलिए, जहां पे ये मिलते हैं नीलगिरी हिल्स, दे दैट इज एक्चुअली अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ठीक है, वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हो और अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया, तो जल्दी से मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन. ठीक है, उसमें कोई देरी नहीं करनी है. चलिए बढ़ते हैं आगे फटाफट से. विच ओशन इज कंसिडर्ड द बिजिएस्ट ओशन फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, राइट. ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए सबसे बिजी कौन सा ओशन है? सो द आंसर या इज द एटलांटिक ओशन. देखो, पैसिफिक हो नहीं सकता, इतना लंबा चौड़ा है, कोई है नहीं कंट्री बीच में, तो पैसिफिक में ज्यादा ट्रेड नहीं होती. एटलांटिक ओशन बहुत बिजी है, वहां बहुत ज्यादा ट्रेड होती है. ठीक है जी, बिजिएस्ट ओशन है, सबसे ज्यादा वहां से, पूरा यूरोप से, अमेरिका से, जो भी आना जाना है सब यहीं से आता है. चलिए, टू विच ओशन द पैनामा कनाल जॉइंस इन द एटलांटिक ओशन. द करेक्ट आंसर, वेरी गुड नीलम, जोया, सबने ए कहा. पैसिफिक ओशन इज द करेक्ट आंसर. पैनामा कनाल जॉइंस, ये देखिए आप, एटलांटिक ओशन, ये देखते हैं, जॉइंस द एटलांटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन. चलिए बढ़ते हैं आगे. द पनामा कनाल जॉइंस द एटलांटिक एंड द पैसिफिक ओशन. ओके, आइडेंटिफाई वर्ल्ड्स डीपेस्ट ओशन. तो ये सबसे जो बड़ा है वहीं पे है जी, द मरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड पैसिफिक ओशन में लोकेटेड, राइट. मरियाना ट्रेंच, ये आपको याद रखना है. तो दोस्तों, हमने कुछ करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कर ली, साथ ही साथ हमने कुछ स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर ली. तो यहां से आपको पता चल रहा है काफी सा ये इंपॉर्टेंट सेशन है, जहां पे स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स दोनों की तैयारी आपकी चल रही है हैंड इन हैंड, राइट. साथ ही साथ तो बिल्कुल मिस आउट नहीं करना है. और साथ साथ एक और चीज नहीं मिस करनी है, वो है ये वर्कशॉप जो 7 बजे होगा आज ही. डू नॉट मिस दिस वर्कशॉप. और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है टू बी द नेक्स्ट टॉपर, राइट. आप देख सकते हो, आप थाउजेंड स्टूडेंट्स आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम ऑल द सेशन दैट वी आर कंडक्टिंग. हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स हैव क्रैक दिस एग्जाम दिस ईयर. उनके साथ हमारे इंटरव्यूज भी चल रहे हैं, तो वो सब आपको बहुत जल्द दिखेंगे यूट्यूब पे. इनका इंटरव्यू इज ऑलरेडी आउट देयर, डू चेक दैट आउट. क्लैट के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर द ईयर
2024 is actually out. 300 plus recorded sessions there will be across 5 sections. 300 hours of live classes is there. 35 mock tests for CLAT and other law entrance exams. Monthly e-magazine for current affairs. And our content is created by our in-house team. जहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे experts हैं, बहुत सारी चीजें आपके साथ share करते हैं through the form, in the form of questions, right? तो ये जरूर जरूर आपको इस सेवा का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि video solutions मिल रहे हैं आपको mock test के. Very important. So limited seats there are, of course. So call us on this number that is given in the front of you, right? Aapki screen pe jo number hai, फटाफट से इस पे call कर लीजिए, right? You can follow us on all our social media handles. The details are there on the screen. जल्दी से आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप ऑलरेडी नहीं किया. वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. बिल्कुल, थैंक यू नीलम. तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, इस तरह से बहुत सारे और भी आएंगे आपके लिए, उन सभी को लगातार हमें देखते रहना है. तो थैंक यू गाइस, बड़ा मजा आया आप सबके साथ एज यूजुअल. वेल डन, होप ऑल ऑफ यू हैव स्कोर्ड वेल टुडे. और जो भी आपका स्कोर है वो हमारे साथ आप जरूर 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 शेयर करते रहिएगा. यस नीलम, फॉर एवरी एंट्रेंस एग्जाम वेयर जनरल अवेयरनेस इज अ सब्जेक्ट, दीज सेशंस आर इंपॉर्टेंट. ठीक है जी, चलिए. All right, so that's it. Bye-bye. Take care. Goodbye. Sayonara. Thank you. We'll meet real, real soon. हाँ, पॉलिटी के भी होंगे, बिल्कुल होंगे बेटा, डेफिनेटली, है ना. सब सारे सेक्शंस कवर करने की हम we'll actually make sure that we cover all the sections, right? चलिए, thank you. Thank you, everyone. Bye-bye.